हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज आप लोगों को कलर अगरबत्ती डायरेक्ट किस तरह से आप लोग परफ्यूमिंग कर लेंगे मशीन से। जी हाँ दोस्तों, डिपिंग में कोई डिपिंग का जरूरत ही नहीं होगा। आज जो टॉपिक है बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज किस तरह से आप लोग, आज यही बताएंगे कि किस तरह से आप लोग जो अगरबत्ती है, कलर अगरबत्ती हो या ब्लैक हो, जो भी हो दोस्तों, सिंपली हॉपर में डालकर ही उसमें ही परफ्यूम मिक्स करके उससे ही प्रोडक्शन कर लीजिएगा, तो उसमें आपको क्वालिटी भी मिल जाएगा और उसमें डीपिंग का भी कोई जरूरत नहीं होगा और उसमें डीपी ऑयल वगैरह भी उसका भी कोई इतना भी ज्यादा जरूरत नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, आज का जो टॉपिक सिंपली परफ्यूम और पाउडर मिक्स करके किस तरह से आप लोग डायरेक्ट बनाएंगे इसके ऊपर होने वाला है। तो नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं सुदीप कुमार बोस और आप लोग देख रहे हैं चैनल प्रगति मैन्युफैक्चरर इंडिया। जी हाँ दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये अभी बहुत ही इफेक्टिव, मतलब इसमें बहुत सारे लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से करने से। देखिए अभी मार्केट में डीपी ऑयल का रेट बहुत बढ़ चुका है, तकरीबन 150 रुपये किलो ऐसा कुछ रेट अभी चल रहा है मार्केट में। उससे ऊपर भी आता है कई कई जगह पे, 160 155 में भी आप लोगों को डीपी ऑयल खरीदना पड़ रहा है। तो मेरा हिसाब से दोस्तों, अगर आप लोग कर रहे हैं, आप लोगों के पास मशीन है तो ठीक है, अगर मशीन नहीं है तो दोस्तों आप लोग को कुछ नहीं करना पड़ेगा, डीपी ऑयल के साथ मिक्स करके करना पड़ेगा। लेकिन जिन लोगों के पास मशीनरी है, मतलब अगरबत्ती मेकिंग मशीन जिन लोगों के पास है, सिंपली आप लोग आप लोगों को ट्रिक बता देंगे, पॉइंट 1 2 3 करके आप लोगों को पूरा डिटेल गाइड कर देंगे कि किस तरह से आप लोग बनाएंगे और किस तरह से करेंगे, तो आप लोगों का डिपिंग का जो प्रॉब्लम वो नहीं रहेगा, वो पूरा पूरी खत्म हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो आज पॉइंट को फॉलो कर लीजिए। सबसे पहला जो पॉइंट है नंबर 1 में, वो दोस्तों आप लोग को क्या करना पड़ेगा, जब आप लोग मसाला को मिक्स कर रहे हैं तो दोस्तों आप लोगों को सिलेक्ट करना है कि ये मसाला मैं ये परफ्यूम, मतलब रोज परफ्यूम से ही बनाऊंगा। ये जो मसाला है मेरा 5 किलो, ये 5 किलो मसाला मैं रोज परफ्यूम में बनाऊंगा। तो उसके हिसाब से जो वॉल्यूम आपका 5 किलो मसाला हुआ, तो 5 किलो मसाला का मतलब मतलब 8 से 9 किलो बत्ती या 10 किलो बत्ती तकरीबन तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों 5 किलो मसाला से, क्योंकि उसमें बम्बू जाएगा, उसमें बहुत सारा ऐड होगा, ठीक है, पानी ऐड होगा, तो उसमें दोस्तों वो 5 किलो मसाला 10 किलो बत्ती तैयार हो जाएगा। तो आप लोगों को वो सिलेक्शन करना है कि आप, मैं ये 5 किलो मसाला को अगर रोज का परफ्यूम करूंगा तो इसमें दोस्तों क्या क्या ऐड करूंगा। जी हाँ दोस्तों, सिंपली उसमें जो 5 किलो में अगर 10 किलो अगर बत्ती तैयार होता है तो उसके हिसाब से 10 किलो में कितना परफ्यूम जाता है, ये आप लोगों को सबसे पहले निकालना है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को ये देखना है, आप लोग 1 किलो परफ्यूम से, मतलब 1 किलो बत्ती में कितना परफ्यूम जाता है। मेरा ख्याल से मतलब 1 किलो परफ्यूम से 25 kg तक आप लोग डिपिंग कर सकते हैं। मेरे हिसाब से 20 किलो तक तो कर सकते हैं, मतलब 1 किलो में 20 किलो, मतलब 500 ग्राम, मतलब 1 किलो में अगर 20 किलो बत्ती तैयार होता है तो 10 किलो बत्ती के लिए 500 ग्राम परफ्यूम को आप लोगों को मिक्स करना है। जी हाँ दोस्तों, प्रीमियम क्वालिटी का 500 ग्राम अगर रोज परफ्यूम आप लोग लेते हैं तभी जाकर उधर 10 किलो बत्ती आप लोगों का प्रोडक्शन में रोज परफ्यूम के हिसाब से प्रोडक्शन होगा। वो किस तरह होगा मैं अभी बता दूं, 500 ग्राम मैंने बताया, उधर आप लोग एक काम करिए 100 ग्राम एडिशनल ले लीजिए क्वांटिटी के हिसाब से, मतलब इधर उधर गिरेगा, उधर वेस्टेज होगा, तो हिसाब से आप लोग 600 ग्राम परफ्यूम को ले लीजिए। 600 ग्राम परफ्यूम के साथ जी हाँ दोस्तों, सिंपली उसमें थोड़ा सा आप लोग डीपी ऑयल ऐड कर दीजिए, क्योंकि जो मसाला में जब मिक्स होगा, सिर्फ ओनली अगर आप लोगों का सिर्फ रोज का परफ्यूम रहेगा तो मेरा ख्याल से क्या है ना, उसका जो मतलब मसाला का जो 5 किलो का वॉल्यूम है, उधर रोज जब रोज का जो परफ्यूम है इधर उधर खो जाएगा, कहीं ज्यादा हो जाएगा, कहीं कम हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसमें थोड़ा सा डीपी ऑयल आप लोगों के हिसाब से आप लोग ऐड करिए। मेरे हिसाब से टोटल 5 किलो में आप लोग 600 ग्राम तो परफ्यूम ले आए और 400 ग्राम आप लोग ले लीजिए डीपी ऑयल। जी हाँ दोस्तों, तो 400 और 600 1 किलो हो गया। अभी वो 1 किलो जो सॉल्यूशन डीपी ऑयल परफ्यूम का, सिंपली दोस्तों क्या करना है, वो जो पाउडर है उसमें ऐड करना है, लेकिन उसमें पानी का मात्रा जितना था उससे पानी आप लोगों को घटाना है, क्योंकि इधर आप लोग परफ्यूम और ऑयल डाल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इधर देख लीजिए, यही मेन फंडा है, यही मेन मतलब आप लोगों को यही समझना है कि इतना परफ्यूम डालने से हम लोग पानी को कितना घटाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यही आप लोगों को जानना है, तभी जाकर वो मसाला पूरा 100% इक्वली 100% मिक्स हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों,
अभी वो हॉपर में भी तो चलना चाहिए, क्योंकि हॉपर में अगर पानी का मात्रा इधर उधर होगा तो हॉपर चलेगा नहीं, मशीन रुक जाएगा। जी हाँ दोस्तों, वो भी आप लोगों को देखना है कि कितना पानी को घटाना है 1 किलो परफ्यूम और DPOL का डाइल्यूशन का रेशियो डालने पर। तो वो आप लोग हिसाब करके उधर से निकाल लीजिए उस पानी को। उसके बाद जो एक जो पानी रह जाएगा वो पानी को ऐड करिए, उसके बाद थोड़ा सा मिक्सर मशीन को चलाइए, उसके बाद दोस्तों थोड़ा थोड़ा सा परफ्यूम को आप लोग थोड़ा थोड़ा सा ऐड करके, दोस्तों मिक्सर मशीन में थोड़ा थोड़ा सा ऐड करके पूरा एंड तक, मतलब कुछ टाइम लेकर उस परफ्यूम को दोस्तों सॉल्यूशन को ऐड करिए। उसके बाद जब मिक्सर मशीन में पूरा मिक्स हो जाएगा परफ्यूम और पानी, जो मसाला, जो डीपी ऑयल, पूरा इक्वली 100% मिक्स हो जाएगा, पूरा आप देख सकते हैं कि 100% मिक्स हो गया है। उसके बाद ही दोस्तों वो मसाला को लेकर हॉपर में डालना है। जी हाँ दोस्तों, कुछ इस तरह से आप लोगों को पहले ही, मैं 5 किलो नहीं बोलूंगा, पहले ही आप लोग 1 किलो मसाला को कुछ इस तरह से, जिस तरह से मैंने बताया है उस तरह से आप लोग 1 किलो को सैंपल के हिसाब से पहले आप लोगों को मशीन में मिक्स करके, दोस्तों हाथ से ही मिक्स करके पहले हॉपर में डाल के प्रोडक्शन करके दोस्तों उसको सुखा के पहले छोटा सा सैंपल को टेस्ट कर लीजिए। उसके बाद जो भी परफ्यूम होगा, अगर सैंडल होता है, मोगरा होता है, अगर लेवेंडर होता है, जो भी परफ्यूम है, अगर आप लोग कुछ इस तरह से DPOL का खर्चा बचा के करना चाहते हैं तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। लेकिन उससे भी आप लोगों को क्या है ना, पहले थोड़ा सा सैंपल टेस्ट करना है, क्योंकि पहले ही देखिए दोस्तों एक बड़ा वॉल्यूम में मिक्स कर देंगे तो अगर गड़बड़ा जाएगा तो प्रॉब्लम होगा, नुकसान हो सकता है। तो कुछ इस तरह से आप लोग अगर छोटा सैंपल टेस्ट करके देख लीजिएगा, हाँ मेरा प्रोसेस सही है, भैया सही बोल रहे हैं, भैया ठीक ठाक ही बोल रहा है, तो हम लोग ट्राई करके देख सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह से करिए। देखिए दोस्तों मार्केट में DPOL का बहुत रेट चला गया है, तो अभी आप लोगों को वो उधर से वो कॉस्टिंग को घटाने के लिए कुछ इस तरह से प्रोसेस को, छोटा मोटा ट्रिक को यूज करके दोस्तों आप लोगों को मार्केट में जमा रहना है। तो काम भी जमाना है और मार्केट में रहना भी है, तो कुछ इस तरह से दोस्तों आप लोग कर सकते हैं। मेरा ख्याल से काम होगा, मेरा भी मशीन है, मैं भी मशीन चलाता था बहुत पहले, उधर मैंने किया था, टेस्ट किया था। तो कुछ इस तरह से मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए स्पेशली वीडियो बना दूं, विदाउट डीपी ऑयल हाउ टू मेक इंसेंस स्टिक्स। जी हाँ दोस्तों, यही टाइटल कुछ इस तरह से रहेगा, मतलब डीपी ऑयल को छोड़कर आप लोग किस तरह से अगरबत्ती बनाएंगे, तो इसका ही आप लोग, मैं आज पूरा डिटेलिंग आप लोगों को बताया है। कोई भी प्रॉब्लम होगा वीडियो को पॉज करके उधर से आप लोग दोबारा गाइड ले लीजिएगा। उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है कमेंट सेक्शन में मुझे लिख दीजिए कि भैया मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है समझने में, मैं रिप्लाई में गाइड करूंगा। और भी कोई प्रॉब्लम होता है तो व्हाट्सएप में स्क्रीन में नंबर दे दूंगा, व्हाट्सएप करके भी आप लोग डायरेक्ट मुझसे जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं, कॉमेंट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आज का जो टॉपिक था बहुत ही इंटरेस्टिंग था, आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो करिए, मुझे बताइए, कमेंट करिए। जी हाँ दोस्तों, आज के लिए वीडियो इतना ही, नमस्कार।